बेटरियों को जगाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया। कोरोना दौर में जब सब कुछ ठप हो गया है, कारोबार से लेकर तालीम सब चौपट हो गई है, खासकर गरीब खानदानों के बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं, क्योंकि पैसे वाले गार्जियन तो अपने बच्चों को ऑनलाइन तालीम फराहम करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन गांव के गरीब बच्चे बेबस हैं। ऐसे में रियासत मध्य प्रदेश के ज़िला सागर के उस्ताद चंद्रहास श्रीवास्तव ऐसे बच्चों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। ये कोरोना काल में यही सर आए हैं, इन्हीं के अनुसार हम पढ़ पाए हैं सर। सर ये मैथ्स वगैरह ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई करवाई हूँ सर, योगा वगैरह भी करवाया। मास्टर साहब का स्कूटर और स्कूटर में स्कूल, ये सुनकर जितनी हैरानी होती है उसे देखकर भी आपको उतनी ही हैरानी होगी। जी सर, मैं रिछोड़ा टपरा में भी जाता हूँ, क्योंकि मतलब वहाँ तो हमारी पोस्टिंग है, तो वहाँ तो हम पूरा समय देते हैं, मतलब 10 से 4 बजे तक वहाँ रहते हैं। फिर इसके बाद जो समय रहता है खाली समय, जैसे सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक हम अन्य जगहों में पढ़ाते हैं। शहर की जो बाढ़ है मतलब आने लगे हुए हैं अपने घर के आसपास हैं, और हमारे जो वहाँ जब हम जिस गांव में जाते हैं उसके पास भी जो आसपास गांव हैं वहाँ भी हम मतलब आध घंटा 1 घंटे का जब समय रहता है 4 के बाद, तो मतलब 4 से 5 से लेकर 8 बजे तक हम अन्य स्थानों पर भी पढ़ा रहे हैं। मास्टर साहब तकरीबन 1 साल से यहाँ आ रहे हैं। सरकारी स्कूल की पहली घंटी से पहले और छुट्टी की घंटी बजने के बाद मास्टर साहब का ये स्कूल होता है। मास्टर साहब का मकसद उन गरीब बच्चों को तालीम से जोड़ना है जो कोरोना दौर में स्कूल नहीं जा रहे हैं और ना ही ऑनलाइन तालीम हासिल करने की काबिलियत रखते हैं। गरीब बच्चों पे हमारा फोकस ज़्यादा है, उन्हीं के लिए हम काफ़ी पेन पेंसिल काफ़ी बांट चुके हैं और अभी भी बांट रहे हैं निरंतर। गांव के बच्चे अपने घर से बोरियां लेकर आते हैं और उसी पर बैठते हैं और टीचर के हाथ में मोबाइल को एक नज़र से देखते रहते हैं। ऐसे ही गरीब बच्चों के लिए चंद्रहास अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने वहाँ पर क्या किया, जिस गांव में पढ़ाने जाते थे तो वहाँ टावर नहीं मिलता था, तो हमने नवाचार किया, हमारी पुस्तकालय पे एक पुस्तकालय बनाया, चलता फिरता पुस्तकालय, वो भी स्वयं की स्कूटी पे बनाया, और इस पे मैंने स्वयं मतलब ये कबाड़ी के सामान से एकत्र करके ये पूरा बनाया। इसमें लगभग 500 बुकें हैं और एक साइड ग्रीन बोर्ड लगा है और बुकें हैं, तो हम बच्चों को मोहल्ला में जहाँ जाते तो वहाँ ग्रीन बोर्ड नहीं थी, तो हमने इसको गाड़ी में लगा लिया, तो 5 बच्चों को पढ़ा दिया वहाँ पर बैठ के, और बुकें भी दे दी पढ़ने के लिए, और वो बुकें बच्चे ले लेते हैं और 5 दिन बाद वापस कर देते हैं। तालीम के दौरान वो गांव के लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं। देही बाशिंदे बच्चों को बच्ची की जुबान में बताते हैं कि तालीम क्यों जरूरी है। बड़े दादाजी हैं, इनसे पूछिए मिलिए क्या जी, कैसा लग रहा है आपको देखकर? अच्छा लग रहा है सर। हाँ, इससे क्या लाभ हो रहा है? मोड़ी मोड़ी शिक्षा मिल रही सर। गणेश जी, आपको इसके बारे में क्या विचार है, जरा बोलिए। नमस्ते सर जी, जब से लॉकडाउन लगा है और हमारे प्रचार सर जी ने जब से चलता फिरता पुस्तकालय बनाया है, हमें इससे बहुत लाभ हुआ, हमारे बच्चों को भी बहुत लाभ हुआ है। पहले ये चबूतरा गंदगी का अंबार था, मास्टर साहब ने इसरार किया, कुछ रकम अपने पास से खर्च की, गांव वालों का साथ मिला तो चबूतरे पर क्लास लगने लगा। सर आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, सब बच्चों को एक लाइन में बिठाते थे, पढ़ाते थे, कॉपी किताब बांटते थे, और बच्चे फालतू नहीं फिरे, जितना उनके पास समय था वो आन के अपने बच्चों को क्लास ले लेती थी। बच्चों को खेल के जरिए तालीम देने का उनका मकसद काफी दिलचस्प है। बच्चों को एहसास नहीं होता कि वो खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं। अच्छा प्रीति, यहाँ बाहर आओ, निकल गए। हाँ, तुम्हें सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है? रविवार। क्यों लगता है, क्योंकि इस दिन छुट्टी रहती। इन 7 बच्चों के हमने नाम रख दिए है, तुम्हारा क्या नाम है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। गांव के लोग अपने इलाके में ऐसे उस्ताद को देखकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। घर हमारा विद्यालय राज्य शिक्षा केंद्र का एक कार्यक्रम चल रहा है,
तो उसके अंतर्गत जो वीडियो आती थी हम बच्चों को वहाँ दिखाने ले जाती। बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर हमारा जो पुस्तकालय है इसको हम और बढ़ाने की सोच रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान कुछ लोगों ने तबाही को अपने लिए बेहतर मौका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने अवामी खिदमत की तो किसी ने अपने कारोबार कई गुना बढ़ाए हैं। वबा के दौरान मास्टर चंद्रहास जैसे सैकड़ों अफराद की जिद की वजह से ही भारत के देही इलाके में तालीम को फरोग हासिल हो रहा है। जहालत के खिलाफ जंग सरहद पर लड़ रहे फौजियों से कम नहीं है। यही सच्ची हुब्बुल वतनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।